गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज लाइफ साइंस चैप्टर 5 को कंटिन्यू कर रही हूँ। टॉपिक चैप्टर 5 का एनवायरनमेंट एंड इट्स रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन पार्ट 4। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग सीखेंगे रोल ऑफ JFM एंड PBR। JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन व्यवस्था। PBR पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जैव विविधता रजिस्टर। इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, JFM और PBR का बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण में क्या भूमिका है। इनडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल, संकटापन्न या विलुप्त प्राय प्राणी, और विलुप्त प्राणी किसे कहते हैं उसके कुछ उदाहरण। सम वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, भारत में कुछ वन्य जीव परियोजना जिससे वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है। टाइगर, राइनासोरस, लायन, क्रोकोडाइल, रेड पांडा को कैसे संरक्षित किया गया भारत में, आज ये सीखना है। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे रोल ऑफ JFM एंड PBR इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के संरक्षण में JFM और PBR की भूमिका। पहले हम लोग सीखते हैं रोल ऑफ JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी संयुक्त वन प्रबंधन की बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण में या जैव विविधता के संरक्षण में भूमिका। रोल ऑफ JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी संयुक्त वन प्रबंधन, अर्थात वन संरक्षण में मनुष्य की भागीदारी के महत्व को समझते हुए 1980 में भारत सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन लागू किया। अर्थात वन प्रबंधन या बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण में सिर्फ सरकार की भूमिका ही नहीं है, वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी चीज़ को सरकार ने समझा और आसपास के मनुष्यों को भी भागीदार बनाया ताकि बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित रखा जा सके। तो मनुष्य की भागीदारी वन के संरक्षण में भारत सरकार के द्वारा की गई, जिसे हम लोग संयुक्त वन प्रबंधन कहते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। और इसका उद्देश्य निम्नलिखित है, अर्थात जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी स्थानीय लोग के सहायता से सरकार किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित कर रही है, इसका उद्देश्य हम लोग देख लें कुछ पॉइंट में। स्थानीय लोगों को साथ लेकर सरकार वन का रख रखाव और संरक्षण करेगी। बदले में स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा? बदले में स्थानीय लोग वन से लकड़ियाँ, रबड़, दवाई, गोंद, फल आदि वन के वृक्षों के उत्पाद का लाभ ले सकेंगे। वनों का संरक्षण लंबे समय तक हो पाएगा, भविष्य में वनों की कमी नहीं होगी और आने वाले पीढ़ी को भी वन का लाभ मिलेगा और जलवायु परिवर्तन भी रुकेगा। वन संरक्षण अधिनियम भारत में लागू हुआ था 1980 में। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी भारत में लागू किया गया 1986 में, और राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई 1988 में, ताकि भारत में वन के साथ साथ वन्य जीवों को भी संरक्षित किया जा सके। पश्चिम बंगाल में 1971 में JFM अर्थात संयुक्त वन प्रबंधन ने मिदनापुर जिले में साल वन के जंगल को बचाया था स्थानीय लोगों की मदद से। अब हम लोग थोड़ा देख लें रेड डाटा बुक क्या है। इस किताब में पूरे विश्व में विलुप्त प्राय या संकटापन्न प्रजाति या जिस जीव की, वन्य जीव की या जिस पेड़ पौधे की संख्या दिनों दिन कम हो रही है, ऐसे प्रजाति को विलुप्त प्राय या इंडेंजर्ड या संकटापन्न प्रजाति कहते हैं। तो इस किताब में संकटापन्न प्रजाति की सूची है और जिसे संरक्षित करना है तथा विलुप्त होने से या एक्सटिंक्ट होने से बचाना है। अब हम लोग देख लेते हैं रोल ऑफ PBR इन कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी। PBR की भूमिका जैव विविधता के संरक्षण में। PBR क्या है? PBR का फुल फॉर्म होता है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर यानी जैव विविधता रजिस्टर। प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधन यानी हमारे नेचुरल रिसोर्स
मिट्टी, जल, वायु को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने विशेष कार्य किया। इसने WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो विश्व की संस्था है वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए, सभी देशों को फंड देती है। IUCN और WWF ने भारत में वन्य जीवों को बचाने का कार्य किया। WCS क्या है? वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, और इन्होंने भारतीय वन्य जीवों, पेड़ पौधे और जंगल में रहने वाले जीवों को संरक्षित करने की योजना बनाई। अब हम लोग देख लें PBR या पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर क्या है, जैव विविधता रजिस्टर। यह एक स्वीकृत रजिस्टर है जिसे वहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों की सहायता से तैयार किया जाता है, और इस रजिस्टर में स्थानीय जैव संसाधन, मतलब उस जगह पर मिलने वाले जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, लोकल नेचुरल रिसोर्स, और उसके उपयोग को स्थानीय लोगों की सहायता से रजिस्टर में लिपिबद्ध किया जाता है। अब PBR की क्या भूमिका है बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण में, रोल ऑफ PBR इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्थानीय लोग को उस स्थान पर किस तरह की बायोडाइवर्सिटी है, कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन से जीव जंतु हैं, सबकी जानकारी रहती है। वो उसको स्थानीय नाम से जानते हैं, तो उस स्थान की किसी भी प्रजाति या स्पीसीज की जानकारी स्थानीय लोगों से मिलती है, और स्थानीय लोगों द्वारा दी गई प्रजाति की जानकारी की प्रविष्टि रजिस्टर में की जाती है। साथ में यह लोक जागरण को भी प्रेरित करती है जिससे जैव विविधता संरक्षित हो सके। इस रजिस्टर में उस जगह की भूमि की जानकारी, यानी अगर वह हॉट स्पॉट है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, तो वहाँ के हॉट स्पॉट की जानकारी भी मिलती है, धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र की भी जानकारी मिलती है, जैविक क्षेत्र की भी जानकारी मिलती है, और उस जगह पर रह रहे संकटग्रस्त प्रजाति यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज या विलुप्त होने वाले प्राणी जिसकी संख्या कम हो रही है, विलुप्त होने वाले पौधे उसकी भी जानकारी, विलुप्त होने वाले प्राणी या पौधे या विलुप्त प्राय जिसकी संख्या कम हो रही है उसकी भी जानकारी मिलती है। और इस रजिस्टर से उस क्षेत्र के लोगों का धार्मिक सांस्कृतिक रीति रिवाज और पारितंत्रिक इतिहास, इकोसिस्टम हिस्ट्री या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का भी पता चलता है। अब हम लोग देख लें इंडेंजर्ड एनिमल या विलुप्त प्राय या संकटापन्न प्रजाति किसे कहते हैं। तो अत्यधिक पेड़ पौधे की कटाई, अनियंत्रित पेड़ पौधे की कटाई जिसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, जिससे वन्य प्राणियों के का वास स्थान नष्ट हो गया, साथ में वन्य प्राणियों का शिकार, जिसके कारण आज कुछ पेड़ पौधे तथा प्राणी की प्रजाति की संख्या बहुत कम हो गई है, वो धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। अगर भविष्य में इन्हें संरक्षित नहीं किया जाएगा तो ये पौधे और प्राणी भी अन्य पौधे और प्राणी की तरह विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और भविष्य में नहीं दिखाई देंगे। ऐसी प्रजाति को हम लोग इंडेंजर्ड एनिमल या विलुप्त प्राय प्राणी, पौधे या संकटापन्न प्रजाति कहते हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ लें इंडेंजर्ड एनिमल के बारे में। 150 स्तनधारी या मैमल्स और 150 बर्ड्स यानी पक्षी का अस्तित्व अब खतरे में है। रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जैसे घड़ियाल या क्रोकोडाइल, कछुआ, पाइथन। बर्ड्स पक्षी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन, इन सब का अस्तित्व संकट में है, ये विलुप्त प्राय होने की कगार पर हैं। कार्निवोरस मैमल स्तनधारी मांसाहारी प्राणी जैसे लाल पांडा, बाघ, तेंदुआ, सुनहरी बिल्ली, पांडा, बाघ, सुनहरी बिल्ली, तेंदुआ, ये सब जो है विलुप्त होने के कगार पर हैं। यह स्तनधारी मांसाहारी प्राणी, कुछ का चित्र यहाँ पर दिया गया है। बंदर की कुछ प्रजाति जैसे गिबन, नीलगिरी लंगूर, सुनहरा बंदर, ये सब भी विलुप्त होने के कगार पर हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए हैं। पौधे में सर्पगंधा या रावलफिया, रोडोडोंड्रन का पेड़, चंदन का पेड़ अनियंत्रित कटाई होने के कारण विलुप्त होने की कगार पर है। अब हम लोग देख लें एक्सटिंक्ट एनिमल या विलुप्त प्राणी
कुछ प्राणी जो अब पृथ्वी पर हैं ही नहीं, विलुप्त हो चुके हैं, उनका अस्तित्व ही नहीं है, अब वो दिखाई भी नहीं देते, जैसे चीता, लाल सिर वाला बतख, पहाड़ी कोयल, डोडो, ये सब जो है अब विलुप्त प्राय प्राणी हो गए हैं। ये सब प्राणी जो है यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये सब विलुप्त प्राय प्राणी हैं। डोडो, मैमो, टैस्मेनियन उल्फ, पैसेंजर पिजन, ये सब प्राणी अब दिखाई भी नहीं देते। तो दिनों दिन प्राणियों की संख्या, पेड़ पौधे की संख्या घटती जा रही है, जो पूरे विश्व के लिए संकट का विषय बनी हुई है। क्योंकि हम लोग पढ़े पिछले स्लाइड में बायोडायवर्सिटी में, पृथ्वी पर हर जीवों की संख्या निश्चित है। एक का भी अस्तित्व अगर खतरे में पड़ता है तो पूरा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, और पर्यावरण में जितनी ज़्यादा जैव विविधता होती है वो पर्यावरण उतना ही ज़्यादा संतुलित होता है। तो WWF की मदद से भारत सरकार ने बाघ की घटती संख्या को देखकर बाघ को संरक्षित करने के लिए तथा उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए 1973 में बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया, और इस टाइगर प्रोजेक्ट के शुरू करने से वर्तमान में बाघ की संख्या बढ़कर 2500 हो गई है। सबसे पहले बाघ का आरक्षण 9 क्षेत्रों में शुरू किया गया। अभी 17 राज्य में 28 बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं। कौन से 9 क्षेत्र थे जहां बाघ संरक्षण शुरू किया गया? सबसे पहले सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, मानस असम में, बांदीपुर कर्नाटक में, मेलाघाट महाराष्ट्र में, रणथंबोर राजस्थान में, पलामू बिहार में, सिमलीपाल उड़ीसा में, कॉर्बेट उत्तर प्रदेश में, कान्हा मध्य प्रदेश में। और टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना भारत में शुरू करने का उद्देश्य क्या था? ताकि बाघ को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखा जा सके, क्योंकि बाघ की संख्या निरंतर घट रही थी मनुष्य के शिकार करने से, उसके प्राकृतिक आवास के नष्ट होने से, प्रदूषण के कारण। और इसलिए उनके बाघ को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखने का उद्देश्य बनाया गया, ताकि वो वहाँ स्वच्छंद होकर रह सकें, अपनी वंश वृद्धि कर सकें, और इन जगहों पर बाघ का शिकार करना मना है। 1987-1988 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर पशु बिहार उत्तर प्रदेश में बाघ परियोजना बनाया शुरू की गई, और इनका मुख्यालय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान था। तो बाघ को बचाना है, क्योंकि परितंत्र को संतुलित रखना है। सेव आवर टाइगर्स, सेव द प्लानेट। और एक प्राणी जिसकी संख्या कम हो रही है, संकटापन्न की कगार पर है, गैंडा। गैंडा को बचाने के लिए भारत सरकार ने जो परियोजना शुरू की उसका नाम है गैंडा परियोजना या राइनो सेरस प्रोजेक्ट। गैंडे की संख्या कम क्यों हो रही थी? तो गैंडे का शिकार चमड़े के कारण किया जा रहा था, और गैंडे के अनियंत्रित शिकार से गैंडे की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही थी। और इस घटती संख्या को देखकर भारत सरकार के वन विभाग ने WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की मदद से 1987 में भारत में गैंडा परियोजना शुरू की। गैंडा के अनियंत्रित शिकार के कारण उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से लगभग गैंडा विलुप्त हो गए थे, जीरो की संख्या में पहुंच गए थे। तो गैंडा को संरक्षित करने के लिए सबसे पहले दुधवा टाइगर रिजर्व में गैंडा परियोजना 1984 में शुरू की गई, जहां 30 मार्च 1984 को आसाम से 5 गैंडे लाए गए, और 1985 में गैंडा पुनर्वास के तहत दूसरी बार नेपाल से 4 मादा गैंडा लाए गए, और अब दुधवा टाइगर रिजर्व में 9 नर, 13 मादा और 8 शिशु गैंडा हैं। शिवसागर आसाम में गैंडा परियोजना क्षेत्र, जहां पर एक सींग वाले गैंडा को संरक्षित किया जाता है। मानस असम में भी, असम में मानस नेशनल पार्क है, जहां पर एक सींग वाले गैंडा को संरक्षित किया जाता है। पश्चिम बंगाल में गोरुमारा और जल्दापारा में भी गैंडा परियोजना शुरू की गई, और
गैंडा परियोजना का उद्देश्य क्या है? ताकि गैंडों को उसका प्राकृतिक आवास मिले जहां वो प्रजनन कर सकते हैं और अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। IUCN और राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप ने और इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ IBW ने दुधवा नेशनल पार्क में गैंडा पुनर्वासन राइनो रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम को शुरू किया ताकि गैंडा का पुनर्वासन हो सके और उसकी संख्या बढ़ सके। उसी तरह से और एक प्राणी लायन, जिसकी भी संख्या दिनों दिन कम हो रही थी, तो उसको भी संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने शेर परियोजना या लायन प्रोजेक्ट शुरू किया। शेर के घटते संख्या को देखकर भारत सरकार ने कब शुरू किया लायन प्रोजेक्ट? 1972 में गुजरात के गिर नेशनल पार्क में सबसे पहले शुरू किया। वर्तमान में यहाँ 323 एशियाटिक लायन या जंगली एशियाई शेर हैं। सेकेंड लायन प्रोजेक्ट कूनो वन जीवन अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर शुरू किया गया, जो एशियाई शेरों का, एशियाटिक लायन का निवास स्थल भी है। गिर नेशनल पार्क का एरिया 16,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें अमरेली, भावनगर, जूनागढ़ तीन जिले को शामिल किया गया। जूनागढ़ के शक्करबाग चिड़ियाघर में एक शेर, दो शेरनी 9 महीने के लिए रखा गया। बाद में उन्हें चंद्रप्रभा सेंचुरी उत्तर प्रदेश में पुनर्वासित किया गया। 1986 में WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीवन संस्थान शेरों के आवास, भोजन और आदतों का अध्ययन किया और पाया कि शेर का मुख्य भोजन सांभर या रुजा यूनिकोलर और चीतल है। शेर परियोजना का उद्देश्य, एयरलाइन प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? ताकि शेर को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाए जहां वो आराम से रह सकते हैं, वंश वृद्धि कर सकते हैं और अन्य जंगली पशुओं की भी आबादी जंगल में बनाया जाए और उस जंगल में शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए। साथ में शेरों को पुनर्वास करने की योजना भी बनाई गई कूनो वन्य जीवन अभ्यारण्य में, जहाँ पर एशियाटिक लायन को पुनर्वासित किया गया और इस तरह से शेर को संरक्षित करके मुख्य उद्देश्य है उसको विलुप्त होने से बचाना और इसकी संख्या को बढ़ाना और पर्यावरण को संतुलित रखना। इसके बाद हम लोग देख लें मगरमच्छ परियोजना या क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। मगरमच्छ की संख्या भारत में दिनों दिन कम हो रही थी क्योंकि मगरमच्छ का भी शिकार स्किन के लिए, उसके चमड़े के लिए किया जाता था। 1960s में मगरमच्छ या क्रोकोडाइल पूरी तरह से समाप्त हो गए थे, तो मगरमच्छ की संख्या को बढ़ाने के लिए मगरमच्छ प्रजनन योजना भारत में 1975 में लागू की गई। यह देश की सबसे सफल बहिस्थलीय एक्सिटो कंजर्वेशन और प्रजनन परियोजनाओं में से एक है। मद्रास में क्रोकोडाइल ट्रस्ट बैंक बनाए गए जहां 10 मगरमच्छ शुरू में लाए गए। अब मद्रास क्रोकोडाइल ट्रस्ट बैंक में मगरमच्छ की संख्या बढ़कर 8035 हो गई। यहां पर मगरमच्छ वर्ष में 2 बार अंडे देती है, जबकि साधारणतः जलाशय में 1 बार अंडे देती है। मगरमच्छ की 3 प्रजाति है, लुटेरा मगरमच्छ यानी उसका वैज्ञानिक नाम है क्रोकोडिलस सिस्मेपेट्रिक, मीठे जल का मगरमच्छ क्रोकोडिलस पोलेस्ट्रिस, खारे जल का मगरमच्छ क्रोकोडिलस पोरोसिस। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ शुरू किया गया? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश में, सोन नदी अभयारण्य बिहार में और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, जहाँ गंगा और उसके सहायक नदी है, वहाँ पर शुरू किया गया। सुंदरवन मगरमच्छ परियोजना मगरमच्छ की संख्या को बढ़ाने के लिए 1970 में शुरू की गई और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन मगरमच्छ परियोजना भगवतपुर मगरमच्छ परियोजना के नाम से विख्यात है।
यहाँ पर मगरमच्छ परियोजना शुरू करने के कुछ वर्षों बाद 100 अंडे मगरमच्छ के थे, जिससे 40 मगरमच्छ निकले। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर लिपिका रॉय इससे उत्साहित होकर अन्य विशेषज्ञों को इस परियोजना में शामिल किया। भगवतपुर लाओथिन द्वीप के पास है, जहां दिसंबर 2013 में प्रशिक्षण शुरू किया गया और बाद में 100 अंडे से 75 मगरमच्छ निकले। ग्लोबल वार्मिंग, सेक्स रेशियो डिस्टर्ब, ग्लोबल वार्मिंग जो है सेक्स रेशियो को डिस्टर्ब कर देता है, फिर भी 100 अंडे से 75 मगरमच्छ निकले और जिसमें से 50 मगरमच्छ को जंगल में मुक्त कर दिया गया। अब हम लोग देख लेते हैं रेड पांडा प्रोजेक्ट, लाल पांडा परियोजना। भारत में WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की सहायता से लाल पांडा परियोजना 1996 में शुरू की गई। WWF का क्या उद्देश्य है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का, जो हर जगह विश्व में जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या कार्य करती है? इनका मुख्य उद्देश्य है विश्व की प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करना, मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य बना रहे, जिससे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती रहे, प्रदूषण कम होता रहे और वर्ज्य पदार्थों का पुनः उपयोग हो सके। इंडेंजर्ड रेड पांडा, रेड पांडा की संख्या विलुप्तिकरण की कगार पर है, पहुंच गई है भारत में। इसकी संख्या भी दिनों दिन कम हो रही है और ये संकटग्रस्त रेड पांडा की प्रजाति भारत में 4 हिमालयन क्षेत्रीय राज्य सिक्किम में, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में पाई जाती है। रेड पांडा की कमी का क्या कारण है, उसके आवास की क्षति, जंगल में ईंधन के लिए वनों की लकड़ी की कटाई, जंगली कुत्तों द्वारा इनका शिकार और पालतू बनाने के लिए इनको पकड़ना, ये सब रेड पांडा की विलुप्तिकरण का, विलुप्त प्राय होने का कारण बना। धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो रही है, तो इनको कंजर्व करना है, संरक्षित करना है, तो इनके लिए अनुसंधान और निगरानी जरूरी है, जिससे इसकी संख्या बढ़ सके। इसलिए भारत में रेड पांडा प्रोजेक्ट, लाल पांडा परियोजना 1996 में WWF की मदद से शुरू की गई और इस परियोजना का उद्देश्य है रेड पांडा के आवास को निश्चित करना, लाल पांडा कहाँ रहता है, क्योंकि उसके आवास में कमी हो रही है। आवास में कमी का कारण है मनुष्य उस जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि में बदल रहे हैं। क्यों उस पर संकट आ गया, उसका मूल्यांकन करना, लोक जागरण, लोगों को प्रेरित करना ताकि वन्य जीवों को वो संरक्षित करें, उनका शिकार ना करें, इसके लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। स्थानीय लोग मिलकर के वन्य संपदा को संरक्षित कर सकते हैं। साथ में वन विभाग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाए ताकि उनका रखरखाव और उनके रखरखाव के लिए ट्रेनिंग दिया जा सके। लाल पांडा पुनर्वासन को प्रोत्साहित करना है, उसके शिकार पर प्रतिबंध लगाना है और जंगल की कटाई पर भी प्रतिबंध लगाना इस परियोजना का उद्देश्य है, ताकि लाल पांडा को संरक्षित किया जा सके। बस अभी लाल पांडा को संरक्षित किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले कंचनजंगा सेंचुरी में, इसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के अभयारण्य में इनको संरक्षित किया जा रहा है, ताकि इनकी संख्या बढ़े और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एब्रिविएटेड टर्म, संक्षिप्त रूप जो इस चैप्टर में यूज किए गए हैं, जैसे यूनेस्को। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेटा पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IBW इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, WII इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ, WCS वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, और इस तरह से
चैप्टर 5 कंप्लीट कर दे कोर्सेज के समझाने के, सुनने से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।